अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको क्रिकेट फॉर यू चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को भी शायद अफरीदी जैसा ऑलराउंडर मिल गया है जिसने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया है। तो नाज़रीन, आपको इस वीडियो की तफसील में बताएंगे कि कौन सा शाहिद अफरीदी जैसा ऑलराउंडर है। तो नाज़रीन, आपको इस वीडियो की तफसील में बताते हैं। तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। नाज़रीन, नेशनल टी20 कप 2021 का मेला बड़ा जोर शोर से जारी है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जबरदस्त बल्लेबाज, ऑलराउंडर्स और गेंदबाज मिल रहे हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसकी वजह से सबको इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी का अंदाजा भी हो रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की टीमें मध्य मुकाबल आई थी। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और 36 रन बनाए। आसिफ अफरीदी ने 4 गेंदों पर 16 रन बनाकर इनिंग का जबरदस्त इख्तिताम किया। इसके बाद गेंदबाजी का वक्त आया तो आसिफ अफरीदी फिर छा गए। आसिफ अफरीदी ने 4 ओवर में 8 रन देकर 3 आउट किए। इसे साबित होता है कि पाकिस्तान के पास कितने अच्छे ऑलराउंडर्स और टैलेंट मौजूद है जिनकी कारकर्दगी पाकिस्तान की बेहतरीन ऑलराउंडर से बेहतर थी। तो नाज़रीन, ये तो कुछ मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।